जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। इस एक्टर ने अपने शख्सियत और अभियान से एक ऐसी पहचान बनाई जिसे सालों में भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि लड़कियां धर्मेंद्र की फोटो को तकिए के नीचे रखकर सोती थी। यहाँ तक कि धर्मेंद्र को जया बच्चन ने ग्रीक गॉड का दर्जा भी दे दिया था। दिलीप कुमार भी धर्मेंद्र से इतना प्रभावित थे कि एक बार उन्होंने कह दिया था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। फिल्मी दुनिया में सफलता का स्वाद चख चुके धर्मेंद्र के लिए यह सफर इतना आसान भी नहीं रहा। फिल्म मैन के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से अपनी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले धर्मेंद्र का फिल्मी सफर इतना आसान भी नहीं रहा। धर्मेंद्र के जीवन में एक ऐसा दौर भी था जब धर्मेंद्र को अपनी भूख मिटाने के लिए दवा का सहारा लेना पड़ा था। दरअसल यह किस्सा साल 1977 में आई फिल्म धर्मवीर की शूटिंग के दौरान का है। मनमोहन देसाई के निर्देशक वाली इस फिल्म में धर्मेंद्र, जिनत अमन, जितेंद्रा, नीतू सिंह और प्राण जैसे कई बड़े कलाकार थे। धर्मवीर की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे और उन दिनों धर्मेंद्र पैसों की तंगी से भी जूझ रहे थे। एक दिन धर्मेंद्र फिल्म की शूटिंग से थक हार कर घर लौटे थे। उस वक्त धर्मेंद्र ज्यादातर समय वड़ा पाव खाकर ही अपनी भूख मिटा लिया करते थे, लेकिन उस दिन शूटिंग से लेट होने की वजह से उन्हें वड़ा पाव नहीं मिल पाया था। जब धर्मेंद्र को भूख मिटाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो धर्मेंद्र थक हार कर सोने चले गए, लेकिन भूख से तिलमिलाने के कारण धर्मेंद्र को नींद भी नहीं आई। और जैसे ही उनकी नजर बगल में टेबल पर रखी कब्ज मिटाने की दवा की बोतल पर पड़ी, उन्होंने मजबूरी में पूरी बोतल दवा पी ली। पूरी बोतल दवा पीने के बाद किसी भी तबीयत का बिगड़ना लाजमी था। जब सुबह धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी और उनके दोस्त उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा उन्हें दवा की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है। डॉक्टर ने साथ में यह भी बताया कि धर्मेंद्र ने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.